जी वेलकम बैक मॉर्निंग विद हम में सरवत हमारे साथ हैं और हम कर रहे हैं मज़ेदार बातें। आज का जैसे टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जी आपके ख्याल में क्या मीडिया पाकिस्तान में आज़ाद है और अगर आज़ाद है तो कितनी लिमिट्स होनी चाहिए। तो सरवत से भी ये बात पूछते हैं कि सरवत आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मीडिया डेफिनेटली आज़ाद है और आई फील कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यू नो न्यूज़ को स्प्रेड करना चाहिए। Obviously, it's always like, you know, पहले कौन शो करेगा, पहले मिर्च मसाला कौन दिखाएगा, but then again, you know, with great powers comes great responsibility. So if you have the power of being in front of all your nation, अगर आप उसको एक responsibility के साथ नहीं लेंगे then I feel that you're not doing a fair job. Yeah, you know, and लोगों को डराना और इस तरह करना जो चीज़ें नहीं important उनको ना दिखाएं, यू नो नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस स्पेशली, यू नो कोई बसें जल रही, कोई यू नो समबडी इज डाइंग और समथिंग, यू डोंट प्लीज हैव दैट रिस्पांस। खून खराबा भी दिखा रहे होते हैं अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो डिटेल एक एक चीज आप दिखा रहे हैं, आप हाथ कटा हुआ, ये कटा हुआ, ये चीजें नहीं दिखानी चाहिए। सो दैट वे यस वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू दे हैव टू बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अ लिटिल मोर यू नो कॉन्शियस को अपने साथ जरा लेके चले तो शायद यू नो थोड़े बेहतर हो जाए। लेकिन डेफिनेटली मीडिया आज़ाद है, इतनी सारी चीज़ें नूर जो हम सोच भी नहीं सकते थे करने का, बिल्कुल यू नो कमिंग एंड जस्ट सिटिंग लाइक दिस एंड टॉकिंग एंड यू नो एंड वेयरिंग एनीथिंग, वेयरिंग प्रैक्टिकली एनीथिंग एंड यू नो अगेन आई वुड से कि प्लीज यू नो सम ऑफ द वुमेन नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। क्या आप पहन कर आ रहे हैं आप अपनी नेशन को, अपने रिलीजन को, आप अपनी यू नो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और जो देख रही है उनको आप मैसेज क्या दे रहे हैं, वंस यू विल वेयर इट दे वुड वांट टू वेयर इट। बिल्कुल बिल्कुल एंड आई फील कि हम लोग मीडिया में बहुत लकी हैं नूर के हम कोई ऐसा इंसान नहीं है, बैंकर या लॉयर्स यू नो दे कैन नॉट रिफर, दे डू नॉट हैव द चांस कि वो मीडिया पे आके कॉन्स्टेंटली एजुकेट करें लोगों को। हमारे पास ये चांस है क्योंकि हम आते हैं टीवी पे, तो अगर हम इस चांस को और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवेल नहीं करेंगे तो वी आर जस्ट लाइक एनी बडी, हमारा दिन क्या चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन यू नो फिर रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है ना रेटिंग की कि आपने ऐसी बातें नहीं करनी, बट एनीवेज कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, यू नो कहते हैं जी आज़ाद है लेकिन हमारा मीडिया इतना आज़ाद नहीं है, दिखावे के लिए सब कुछ है लेकिन फिर भी हमारी बहुत सी रिस्ट्रिक्शन हैं जहाँ पर हमें रुकना पड़ता है। अच्छा ये बताएं सरवत कि हर आर्टिस्ट का एक ख्वाब होता है कि आई वॉन्ट टू प्ले दिस कैरेक्टर, दिस इज माई ड्रीम कैरेक्टर, आपका वो कौन सा कैरेक्टर है? You know, it's so strange. Only a few days back, मैं और मेरी बहन और हम बैठे हुए थे सारे, तो कहती तुम कौन सा, यही आपका सवाल कि तुम क्या करना चाहोगी। मैंने सोचा, मैंने कहा यार आई एम इनसाइड, आई एम नॉट अ वल्गर पर्सन, एंड दैट वुड बी एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग फॉर मी टू प्ले अ वल्गर गर्ल, यू नो अ वल्गर कैरेक्टर हो थोड़ा वो मेरे लिए, आई थिंक बिकॉज मैं कभी नहीं फाइंड वल्गर, अदरवाइज पीपल वल्गर, नो वल्गर इन द सेंस समबडी विद नॉट मॉरल्स, विद नो मॉरल्स, एग्जैक्ट नॉट एज इन लैंग्वेज, कपड़े का नहीं मैं कह रही लेकिन लैंग्वेज और जो दिमागी हालत होती है ना एक जाहिल not educated not responsible, again galat cheezon ka fayda uthate hain jo log, acha wo character tha ka, you know thoda tha, you know thoda sara thoda pagal character, thoda pagal thoda you know khiska hua, ha that to matlab sarvat ki jo khwahish hai wo psycho character karne ki, psycho character and with a weird, kabhi aise zindagi mein koi aisa koi incident hua koi psycho fan ya koi kisi पाला पड़ा हो जिंदगी? वेल नॉट रियली अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज में, स्कूल में या फिर नहीं, एक दफा वाकया जो नहीं भूल सकती अभी तक। वेल वंस आई वाज गेटिंग आउट ऑफ अ टेलर की दुकान और मैं अपने नॉर्मल कपड़े लेके जा रही हूँ और एक आंटी आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ दिया, मैंने कहा तुम ईशा हो ना, यू नो अ कैरेक्टर्स नेम, एंड आई सेड जी बिल्कुल, एंड कह लिए मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, तो मैंने कहा आप क्या करेंगी मेरे फोन, नहीं मुझे बात करनी है, सबको बात करनी है तुमसे घर पे, ये वो खैर मैंने किस तरह वो थोड़ा और ना शी स्टार्टेड लाइक शी वाज रियली ओवरवेल्म्ड एंड वो ना जिस तरह वो शी वाज वेयरिंग अ हिजाब एंड एवरीथिंग
एंड फॉर अ सेकंड जब वो जिस तरह उन्होंने आके मेरा हाथ पकड़ा है ना नूर बने का बस अब मोबाइल मोबाइल खत्म यू नो सब कुछ गया कुछ तो होने वाला है कुछ तो होने वाला है सो दैट वाज द ओनली टाइम अदरवाइज जिस तरह भी लोग आके मिलते हैं हमेशा अच्छी तरह मिलते हैं बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं बहुत अच्छा लगता है बहुत इंकरेजिंग होता है एंड सेकेंडली आई फील के अल्लाह में इज्जत देने वाला है और इसको आप नखरे में अगर टाल दें कि मेरे पास टाइम नहीं है या प्लीज डोंट अच्छी बात नहीं है नहीं आपके फैंस की मोहब्बत से ही व्हाटएवर यू आर बिकॉज़ ऑफ देम आपकी कोई फैन है जी कॉलर हमारे साथ उनसे बात कराते हैं आपकी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम नूर क्या हाल है आपके जी बिल्कुल ठीक ठाक कौन बात कर रही है मैं इशरत बात कर रही हूँ फैसलाबाद से इशरत फैसलाबाद से जी सरवत हमारे साथ हैं बात करिए जी जी सरवत आप मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं थैंक यू इशरत थैंक यू सरवत आपका ड्रामा था डोली की आएगी बारात में सिला बनी थी जी 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 बिल्कुल माइंड ब्लोइंग बहुत बहुत अच्छा उसमें आपकी एक्टिंग मैं क्या मतलब क्या बोलूं आपको मुझे समझ नहीं आ रही थैंक यू इशरत और आप इस तरह के ड्रामे जरूर किया करें प्लीज ठीक है मैं ये आपका एडवाइस जरूर बहुत सीरियसली लूंगी थैंक यू थैंक यू सो मच इशरत थैंक यू बहुत शुक्रिया इशरत अपना ख्याल रखें वेरी बबली एंड लाइट कैरेक्टर इट वॉज अ वेरी 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 डिफरेंट I normally play very, very serious and very intense people because inside I'm a very serious intense person. But it was very bubbly. और actual life में मैं bubbly भी हूँ और you know हँसती रहती हूँ और इस तरह का. So it was very close to life. Yeah. I'm not as intense, you know. जैसे आप character करते हैं. जैसे मैं character करती हूँ. तो मैं बड़ी I could relate. Character 50 साल वाले करना चाहती हूँ. अच्छा first crush. नहीं घर में नहीं लगाए हुए थे बट यू नो मूवी स्टोर पे आप जाते हैं सो आई सीक्रेटली टुक वन एंड फोल्डेड इट एंड केप्ट इट इन माय यू नो कबर्ड में लगाया हाँ क्योंकि बाहर नहीं लगा सकते थे बट दैट वॉज माई फर्स्ट क्रश और फिर हॉबीज क्या है हॉबीज़ पेंटिंग करती हूँ नूर बहुत मज़ा आता है पढ़ी हुई है खताती लिखना सीख रही थी अरबी जिसे कहते हैं nice. और वो करती रहती हूँ यू नो थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ फोटोग्राफी कर लेती हूँ कुकिंग करते हैं कुकिंग बहुत कम करती हूँ सारे चार के काम कर लिए लेकिन एक औरत कुकिंग तो करनी चाहिए यार चार पांच चीजें बना लेती हूँ हाँ जो मतलब अगर के सर पे पड़ जाए तो हाँ हाँ बिल्कुल आप लोग बिल्कुल भूखे नहीं मरेगा कोई मेरे साथ ये फिक्र ना करें भिंडी अच्छी बना लेती हूँ अच्छा और पास्ता और सैलड और एक केक आता है बनाना वो बना स्वीट चलो बेबीज भी जब होंगे तो बेबीज के लिए थोड़ा केक शेक अपने खुद बना स्टार क्या आपका I'm a cusp, I'm a Sagittarian and a Capricorn. Mix Do you believe both. In stars? To an extent, हाँ जब happy happy चीजें लिखी होती हैं जब वो sad और वो serious बुरी चीजें लिखी होती हैं even I'm like that मैं अखबार खोलूँगी अगर अच्छी चीज लिखी है तो okay no problem बुरी लिखी है बकवास है ये सारी चीजें बकवास है But obviously it's a science. थोड़ा बहुत you know होता है कि एक limit तक आप believe करो. How was your childhood? I mean बचपन में आप कैसी student थी? बचपन में बच्ची कैसी थी? घर वालों की पिटाई होती थी? Naughty थी? जैसे आपने बताया आप सबसे छोटी हैं घर में. Yes, I was the naughty one out of the lot. But I was always playing with my brother. And I was a complete tomboy. And I was a lot into, you know, basketball. I was the captain of my basketball team in college. So imagine, wow. please, meri height pe na jaiyega. Apni akal ladaiyega. ठीक है ना सो हाँ स्पोर्टी बहुत ही अभी भी हूँ लाइक आई लव स्विमिंग आई लव हॉर्स राइडिंग आई एम वेरी एथलेटिक लाइक दैट और लेकिन बदतमीज कभी नहीं थी आंखों से डरती थी अपनी माँ की दूर से हाँ कहते ना माँ बाप की मेरी अम्मी की होती थी हमेशा कोट ये भी करती हैं अभी भी करती कहती हैं निवाला खिलाओ सोने का और देखो शेर की नजर बिल्कुल सही बात है इसी तरह सीरियसली लेकिन अब्बा जब होते थे आई वॉज स्पॉइल्ड बाय माई फादर A lot because I was the youngest और जो चीज़ मनमानी होती थी वो मुझे भेज दिया करते थे कि तुम चली जाओ तुम्हारी बात मान लेंगे right. So हाँ good childhood अच्छी memories हाँ अच्छी memories बड़ी strict होता था तो उसमें जो मस्तियाँ होती है ना करने की वो ज़्यादा याद रहती अब तो हर चीज़ allowed है और आपको चीज़ें इतनी सारी मिल गई हैं बच्चों को भी बजट पे हर चीज़ मिल जाती है सरवत वक्त थोड़ा कम रह गया एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू योर फैंस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मतलब वेटिंग फॉर योर प्ले टू कम एंड व्हाट ऑल प्रोजेक्ट यू आर डूइंग ओके दिस वन या दिस ओके ये
मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि इंसान अच्छा हो, उसका दिल अच्छा हो, वो जिस फील्ड में भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, आर्टिस्ट हो, वो हमेशा एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है अगर वो अच्छा इंसान हो। और सेकेंडली ये कि जो लोग अपने सीनियर सिटीजन्स का, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, चाहे वो उनके टीचर्स हों, चाहे वो उनके कोलीग्स हों या को-स्टार्स हों, को-वर्कर्स हों, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो ज़िंदगी में कहीं भी नहीं पहुंच सकेंगे। तो प्लीज़ अपने बड़ों का लिहाज करें, उनकी आज रिस्पेक्ट करें, कल आपको उसी तरीके की रिस्पॉन्स मिलेगी वापस। और मेरा एक प्ले है जो आने वाला है, नहीं बताऊंगी बहुत ज़्यादा उसके बारे में, लेकिन महरीन जब्बार के साथ है एंड ऑफकोर्स हम TV पे है, तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत एक्साइटमेंट है, सुपर एक्साइटेड हैं हम सब। एंड प्लीज़ वॉच इट, अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान को ज़रा साफ़ रखने की कोशिश करिएगा। प्लीज़ शीशे उतार के कचरा ना फेंकें, अब हम ज़रा तरक्की याफ्ता हो गए हैं तो पढ़े लिखे जाहिल कैटेगरी से निकल आते हैं। थैंक यू सो मच सरवत, इतनी छोटे सी बातों में काफी सारे मैसेजेस दे दिए इन्होंने और बहुत अच्छी बात की। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें और अब आपने ये ब्रेक जरा नहीं लेनी, मैंने कुछ अर्से के लिए नहीं लेनी, फिर जब आप लेना चाहें दैट इज अप टू यू, बट वी रियली वांट टू सी यू। थैंक यू, आई लव द लव दैट यू हैव फॉर मी, लव यू सीरियसली। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का शो, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद न्यू शो, न्यू सेलिब्रिटीज। अल्लाह हाफिज़।